हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित वर्मा फ्रॉम सरदार सिंह कानू इंटरनेशनल कॉलेज, गणित प्रवक्ता। देखिए, आज हम कक्षा 12 का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, संबंध तथा फलन। तो संबंध तथा फलन फर्स्ट ईयर में हम कुछ पढ़ ही चुके हैं संबंध के बारे में, जैसे दो समुच्चयों का कार्तिक गुणनफल पढ़ लिया था, कमित गुण पढ़ लिया था। फिर से देखते हैं बेसिक से। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होता है? क्रमित युग्म, जैसे इसका नाम है क्रमित युग्म, क्रमित युग्म क्रम से लिखा हुआ। जैसे लिख दिया जाए ए कॉमा बी, इसका एक निश्चित क्रम है। तो ये ए जो है वो पहले स्थान पर है, इसलिए इसको हम प्रथम अवयव नाम दे देंगे, और जो ये बी है ये दूसरे स्थान पर है, इसका नाम हम लिख देंगे द्वितीय अवयव, ये इसका नाम हो जाएगा। इसमें क्रम है कि ए कॉमा बी को हम बी कॉमा ए नहीं लिख सकते। जैसे समुच्चय में हम लिखते थे ए कॉमा बी, तो इसको हम बी कॉमा ए भी लिख सकते हैं। समुच्चय में अवयवों का कोई निश्चित क्रम नहीं था, लेकिन क्रमित युग्म में संख्याओं का या राशियों का एक निश्चित क्रम होता है। तो इसकी परिभाषा यहाँ से क्या निकल कर आएगी कि राशि दो या दो से अधिक राशियों को किसी एक निश्चित क्रम में लिखने पर बना निकाय क्या कहलाता है? क्रमित युग्म कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर दो राशियाँ हमने ली थी, अब यहाँ पर हम तीन राशियों को ले लेते हैं ए बी सी। तो जैसे यहाँ पर दो थी, एक विशेष क्रम में ए पहले स्थान पर था, बी दूसरे स्थान पर था, वैसे ये तीन संख्याओं या तीन राशियों का है, ए पहले स्थान पर है, बी दूसरे स्थान पर है और सी तीसरे स्थान पर है। यहाँ ए को हम प्रथम अवयव नाम देते हैं, बी को जो दूसरे स्थान पर द्वितीय अवयव कहते हैं, और सी को तृतीय अवयव भी कहा जाता है। अब इसके बाद जब आगे हम बढ़ते हैं क्रमित युग्म के आगे, तो आता है दो समुच्चयों का या समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल ये पढ़ते हैं। ये सब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो इसका थोड़ा सा हम बता देते हैं। कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। तो यहाँ पर ये देखते हैं, दो समुच्चय मान लेते हैं ए और बी, और इनके बीच में हम क्रॉस लगा देते हैं, तो ये पढ़ा जाएगा ए क्रॉस बी। ये निरूपित करता है दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल को। अब बराबर में ये हमने मंझला ब्रैकेट लगा दिया। हम जानते हैं कि समुच्चय की शुरुआत जो होती है, जो अवयव लिखे जाते हैं, तो पहले मंझले ब्रैकेट को लगाते हैं, इसके बाद उसके अंदर अवयव को लिखते हैं। तो यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, एक समुच्चय है। तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल भी क्या हो जाएगा? समुच्चय। और किसका समुच्चय होगा? तो यहां पर हम लिखते हैं x कॉमा वाई। जैसे a कॉमा b, वैसे x कॉमा वाई। देखिए x कॉमा वाई, यहां पर दो समुच्चय हैं, इसलिए क्रमित युग्म में दो अवयव होंगे। अगर समुच्चय दो से अधिक होते तो क्रमित युग्म में अवयवों की संख्या भी दो से अधिक होती। यहाँ पर पहले स्थान पर लिखा है x और दूसरे स्थान पर लिखा वाई, इसलिए पहले को हम कहेंगे प्रथम अवयव x हो जाएगा, और जो ये हमारा द्वितीय अवयव होगा वो वाई होगा। तो बीच में लिखेंगे दो बिंदु, इसका अर्थ होता है इस प्रकार है, ये क्या है? क्रमित युग्म है। तो ए क्रॉस बी समुच्चय किसका? क्रमित युग्मों का समुच्चय, जिसमें क्रमित युग्म का प्रथम अवयव पहले समुच्चय में है और द्वितीय अवयव दूसरे समुच्चय में है। वाई जो होगा वो बी में होगा। प्रथम अवयव जो क्रमित युग्म का एक्स है वो ए में होगा, प्रथम समुच्चय में होगा, और द्वितीय अवयव द्वितीय समुच्चय में होगा। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या निकल के आई? दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्रमित युग्मों का, उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनका प्रथम अवयव प्रथम समुच्चय में और द्वितीय अवयव द्वितीय समुच्चय में होता है। इसके बाद एक सूत्र हमने पढ़ा था एन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी जो एक समुच्चय उसमें अवयवों की संख्या, तो उसका सूत्र होता था एन ए इंटू एन बी, ये होता था दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। तो उसमें कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव हैं, इस सूत्र से हम ज्ञात कर लेते थे। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें क्लियर हो गई, क्रमित युग्म और दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है संबंध। देखते हैं, देखिए कार्तीय गुणनफल के बाद, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल के बाद हम संबंध पर आते हैं।
संबंध को रिलेशन भी कहते हैं। संबंध होता क्या है, इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, आर से। और आर जो होता है, ये जो निशान है उपसमुच्चय का, ये किसका चिन्ह है, उपसमुच्चय का। आर मतलब संबंध। और ए क्रॉस बी क्या, हमने अभी अभी बताया था, ए क्रॉस बी दो समुच्चयों ए और बी के कार्तीय गुणनफल को कहते हैं। और ये होता क्या है, ये उन क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है ए क्रॉस बी जिनका प्रथम अवयव ए में और द्वितीय अवयव बी में होता है। तो ए क्रॉस बी के सभी उपसमुच्चयों को हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। जो भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा वो क्या कहा जाएगा, संबंध कहा जाएगा। इसको हम आर से निरूपित करते हैं। अब चूंकि हमने ये पढ़ा कि ए क्रॉस बी जो है ये किसका समुच्चय है, क्रमित युग्मों का समुच्चय। किसका समुच्चय है, क्रमित युग्मों का समुच्चय। ऐसे क्रमित युग्म जिनका प्रथम अवयव ए में है और द्वितीय अवयव बी में, फिलहाल हम क्रमित युग्म कह लेते हैं, ये क्रमित युग्मों का समुच्चय। तो आर भी हमारा क्या होगा, क्रमित युग्मों का ही समुच्चय होगा। जैसे हमने लिख दिया आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई एक क्रमित युग्म है और ये क्रमित युग्मों का समुच्चय। तो इस प्रकार होगा कि एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये इस तरह से होगा। यहां पर जो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय होंगे उन्हीं को हम संबंध कहते हैं। एग्जाम्पल में ये देखते हैं संबंध को लिखते कैसे हैं। जैसे आर बराबर लिख दिया जाए एक कॉमा दो, ये लिख दिया जाए दो कॉमा तीन, और ये हो जाए तीन कॉमा चार, ये हो गया। तो यहाँ पर ये मान सकते हैं कि a बराबर दिया गया है एक दो तीन दिया गया है और b बराबर दिया गया है एक दो तीन चार, ये दिया गया है। तो ये a बराबर लिखा, b बराबर लिखा और a क्रॉस b का एक उपसमुच्चय जो है वो एक कौमा दो लिख दिया गया, दो कौमा तीन लिख दिया गया, तीन कौमा चार लिख दिया गया। इसमें यदि हम a क्रॉस b करेंगे तो जो अवयव जो क्रमित युग्म बनेंगे उन्हीं से ये तीन क्रमित युग्म लिए गए, अर्थात r के सभी क्रमित युग्म किसके अवयव होंगे, a क्रॉस b के अवयव होंगे। यहाँ पर ये a क्रॉस b के जो भी उपसमुच्चय होंगे वो संबंध कहे जाएंगे। अब इसके बाद इसको नोटेशन कैसे करते हैं, जैसे ये हमने लिख दिया r बराबर x कॉमा वाई, इस प्रकार है कि x a में उपस्थित है और y b में उपस्थित है, इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर r बराबर एक कॉमा दो लिख दिया, तो एक कॉमा दो उपस्थित है या अवयव है के लिए हमने एप्साइलन बताया था। एप्साइलन जो होता है इसका अर्थ होता है अवयव है या एलिमेंट ऑफ या उपस्थित है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिखते हैं, वन रिलेटेड टू टू, वन आर टू, ये संबंध आर में एक कॉमा दो ये आर में उपस्थित है, तो एक आर बीच में लगा देते हैं जो संबंध है, इधर दो लिखते हैं। जो पहले लिखा होता है वो प्रथम अवयव माना जाता है, वो उस क्रमित युग्म का कौन सा अवयव है, प्रथम अवयव है। और जो आर के बाद लिखा होता है वो उस क्रमित युग्म का कौन सा अवयव होता है, द्वितीय अवयव होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लिख दें दो कॉमा थ्री दो कॉमा तीन, ये आर में है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि टू रिलेटेड टू थ्री, ये हो जाएगा दो और तीन में एक संबंध है, अर्थात दो कौमा तीन आर का अवयव है। संबंध के बाद पढ़ते हैं संबंध का प्रांत दूसरे नंबर पर, सहप्रांत वो परिसर तथा क्या है हमारा सहप्रांत, ये प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। तो प्रांत को डोमेन कहते हैं, परिसर को रेंज कहते हैं और सहप्रांत को कोडोमेन कहते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं कि R एक संबंध लिखा हुआ है कि x कॉमा y इस प्रकार है कि x जो है वो a में उपस्थित है और y जो है वो b में उपस्थित है। और ये हमको पता है पहले से ही कि
कि आर जो है वो किसका उपसमुच्चय होते हैं, ए क्रॉस बी के, जो आर है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। यहाँ पर ए क्रॉस बी के कुछ ही अवयव इसमें उपस्थित होते हैं, सारे नहीं, क्योंकि एक्स और वाई एक दूसरे से किसी गणितीय कथन द्वारा संबंधित होते हैं, इसलिए देखते हैं इसको इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रांत। तो प्रांत क्या होगा? प्रांत होगा संबंध आर के सभी क्रमित युग्मों, संबंध आर के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों के का समुच्चय है। आर के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। आर के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय हमारा क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। इसके बाद हम परिसर की बात करते हैं। जैसे प्रांत में हमने लिखा था आर के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय, तो उसी प्रकार से आर के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय, द्वितीय अवयवों का समुच्चय, द्वितीय अवयवों का समुच्चय, ये क्या हो जाएगा? परिसर। यही इसकी परिभाषा है कि जो संबंध हमारा आर होगा उसके जितने भी क्रमित युग्म हैं, उसके अवयव हैं क्रमित युग्म, उनके सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय क्या हो जाएगा? प्रांत कहलाएगा। और संबंध आर के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाएगा। यदि इसको हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखते हैं कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स ए का अवयव होगा, और एक्स कॉमा वाई जो है वो आर में उपस्थित होने चाहिए। अर्थात एक्स वाई यदि आर का अवयव है तो जितने भी प्रथम अवयव अर्थात एक्स हैं उनका समुच्चय क्या कहा जाएगा? प्रांत कहा जाएगा। यहाँ परिसर को इस प्रकार से लिखेंगे तो वाई इस प्रकार है कि वाई जो है वो बी का अवयव है, और इसमें भी वही है, बस वाई और ए की जगह बी होगा, तो एक्स कॉमा वाई जो होगा वो आर में उपस्थित होगा। देखिए संबंध आर के क्रमित युग्म, एक ये क्रमित युग्म ले लिया हमने, और उसका द्वितीय अवयव कौन सा है हमारा? वाई। द्वितीय अवयव है हमारा वाई, और उसका समुच्चय जो होगा वो क्या कहा जाएगा? परिसर कहा जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं सह प्रांत। क्या पढ़ते हैं हम? सह प्रांत। तो सह प्रांत क्या होता है? सह प्रांत बी कहते हैं, और ये बी वही है जो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर आर ए क्रॉस बी का जो उपसमुच्चय है, तो इसी से जो समुच्चय बी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सह प्रांत बोलते हैं। तो देखिए प्रांत, परिसर और सह प्रांत ये होता है। प्रांत क्या होता है? आर के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय। परिसर क्या होता है? आर के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय। और सह प्रांत हमारा बी होता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, जो प्रांत होगा आर का जो प्रांत है वो उपसमुच्चय होगा किसका? ए का। और आर का जो परिसर है वो उपसमुच्चय किसका होगा? आर का जो परिसर है वो उपसमुच्चय होगा बी का। और उपसमुच्चय की थ्योरी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सभी ने, उपसमुच्चय दो प्रकार के होते हैं, उचित उपसमुच्चय और अनुचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय जो होते हैं वो वे होते हैं जैसे ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो समुच्चय ए के सभी अवयव बी में है, परंतु समुच्चय बी में अवयवों की संख्या ए से अधिक होती है, परंतु अनुचित उपसमुच्चय में समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो लिखा है आर का प्रांत ए का उपसमुच्चय होगा, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में ये ए भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, इसके कुछ अवयव भी हो सकते हैं, उसी प्रकार से परिसर भी है, लेकिन सह प्रांत हमारा सदैव बी ही रहेगा। देखिए उदाहरण देखते हैं इसका, एक प्रांत, परिसर और सह प्रांत का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करा? आर एक संबंध दिया गया, इसमें मैं प्रांत ज्ञात करना है और परिसर ज्ञात करना है। इसमें मैं क्या क्या ज्ञात करना है? प्रांत हमें ज्ञात करना है, इसका प्रांत क्या है और परिसर क्या है ये हमें ज्ञात करना है।
ये हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए जो ये हमारा समुच्चय लिखा हुआ, ये नियम विधि में लिखा हुआ, गुण विधि में लिखा हुआ, या कह लीजिए समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम रोस्टर विधि में बदलेंगे, क्योंकि आर जो है वो क्रमित युग्मों का समुच्चय है, और समुच्चय को लिखने की दो विधियाँ होती थी, तालिका विधि और रोस्टर विधि, वो रोस्टर विधि या तालिका विधि या नियम विधि या गुण विधि। तो यहाँ पर ये गुण विधि लिखी हुई है, तो इसको पहले हम तालिका विधि रोस्टर विधि में लिखेंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जो ये X आ रहा है, X का जो मान लिखा, X एप्साइलन जो ये समुच्चय लिखा हुआ है प्रथम चार प्राकृतिक संख्याओं का, इसी में तो x उपस्थित है। तो x का मान जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, और चार भी हो सकता है। तो एक एक करके x के इन मानों को हम इसमें रखेंगे। तो जब यहाँ हम एक रखेंगे तो आएगा 1 + 1, तो 2 आ जाएगा, और यहाँ जब एक रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा पूरा हो गया, हमने एक को रख दिया x के स्थान पर, तो बना 1 1 2 5 1 6। इसके बाद जब हम 2 को रखेंगे तो आएगा 2 1 3 आ जाएगा, कॉमा 2 यहाँ पर रख दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या 3 को पुट करेंगे इसमें x के स्थान पर, तो x के स्थान पर जब हम 3 को रखेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ पर 3 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। अब इसके बाद में जब हम 4 रखेंगे तो आ जाएगा 5, और 4 5 9 हो जाएगा। ये आ गया हमारा, इसलिए हमने लिख लिया रोस्टर विधि में लिख लिया हमने। तो पहले लिखा कैसे, x के मान 1 2 3 4 एक एक करके रखे, x का मान पहले 1 रख देंगे इसमें, ये बनेगा, 2 रखेंगे ये आ जाएगा, 3 रखेंगे ये आ जाएगा, 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद में जब हम लिखते हैं प्रांत, क्या लिखते हैं प्रांत, और किसका प्रांत, R का प्रांत लिखा जाता है। तो ये क्या होता है R का प्रांत, प्रांत क्या होता है कि संबंध R के क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव का समुच्चय। जो भी क्रमित युग्म है, पहला क्रमित युग्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है, तो इन चारों क्रमित युग्मों के जो प्रथम अवयव हैं उनका समुच्चय जो बनेगा। समुच्चय है तो इसकी शुरुआत करली ब्रैकेट से या मंझले कोष्ठक से होगी। तो यहाँ पर पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव 2 है, दूसरे क्रमित युग्म का पहला अवयव 3 है, और तीसरे क्रमित युग्म का पहला अवयव 4 है, और ये अंत वाले क्रमित युग्म का पहला अवयव 5 है। तो ये जो है हमारा वो प्रांत हो जाएगा। और यदि हम इसके परिसर की बात करते हैं, आर का परिसर, तो आर का परिसर इसकी हम बात करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा क्रमित युग्म के द्वितीय अवयवों का समुच्चय। तो द्वितीय अवयव जो दूसरे नंबर पर लिखे हैं, तो पहले में दूसरे नंबर पर 6 है, दूसरे में कितना है 7, तीसरे में 8, और चौथे क्रमित युग्म में 9 है। ये हो गया हमारा, ये प्रांत है और ये परिसर है। ये इस तरह से क्वेश्चन इसके लगाए जाएंगे। जब तक ए और बी नहीं दिया होगा हम सहप्रांत को नहीं डिनोट कर सकते, नहीं लिख सकते। यहाँ पर प्रांत और परिसर ही हमें ज्ञात करना था, तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं। जब कभी आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो सबसे पहले नियम रूप में जो लिखा है संबंध, उसको हम तालिका रूप में लिख लेंगे, रोस्टर विधि में लिख लेंगे, और इसके बाद में जो भी क्रमित युग्म बनेंगे तो प्रथम अवयव का समुच्चय प्रांत कहलाएगा और द्वितीय अवयव का समुच्चय परिसर कहलाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर का उदाहरण देखते हैं। जैसे लिख दिया जाए आर बराबर, लिख दिया जाए 4 1, 4 2, 5 1 और 5 2, ये रोस्टर विधि में लिखा हुआ है। तो इसका हम प्रांत कैसे लिखेंगे, यानी हमको प्रांत लिखने को कहे, तो यहाँ पर प्रांत में जितने भी क्रमित युग्म का प्रथम अवयव ले लेंगे तो ये आ जाएगा प्रथम अवयव 4 है, 5 है। समुच्चय जब भी लिखा जाता है तो कोई भी अवयव दो बार नहीं आएगा, 4 4 एक ही बार लिखा जाएगा, 5 5 दो जगह लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा। और परिसर क्या हो जाएगा, द्वितीय अवयव का समुच्चय। तो देखिए इस क्रमित युग्म का द्वितीय अवयव क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया जाएगा, और इस क्रमित युग्म का प्रथम अवयव क्या है, 2 है, और फिर 1 2 यहाँ पर है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा इसी प्रकार से। तो ये हमारा प्रांत है और ये परिसर है।
अब पढ़ते हैं प्रतिलोम संबंध। तो प्रतिलोम संबंध पहले तो इसमें जो ये शब्द आया है संबंध, तो ये हम बता चुके हैं कि ए क्रॉस बी दो समुच्चयों ए और बी के कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय को हम क्या कहें, उपसमुच्चयों को क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। यहाँ पर यदि कोई संबंध आर से लिखा जाता है तो वो क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा, एक्स कॉमा वाई जो भी होगा वो क्रमित युग्मों के रूप में होगा। इस प्रकार है कि एक्स ए में उपस्थित है और वाई जो है वो हमारा किस में उपस्थित है, बी में उपस्थित है। तो प्रतिलोम संबंध कैसे हम परिभाषित करेंगे, प्रतिलोम संबंध को हम लिखते हैं आर का प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स लिखा जाएगा, एस का प्रतिलोम संबंध एस इनवर्स लिखा जाएगा, आर का प्रतिलोम संबंध लिखा जाएगा आर इनवर्स। और प्रतिलोम संबंध जो होता है वो किसी भी संबंध का प्रतिलोम संबंध उस रिलेशन के जो क्रमित युग्म है उन अवयवों के स्थान को बदलने से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो क्रमित युग्म है तो जो पहले नंबर पर है क्रमित युग्म में जो प्रथम अवयव है उसको द्वितीय अवयव बना दिया जाता है, और जो द्वितीय अवयव है उसको प्रथम अवयव बना दिया जाता है। क्या करेंगे इसमें, वाई कॉमा एक्स कर देंगे। देखिए आर इनवर्स बराबर से आर बराबर एक्स कॉमा वाई था, तो आर इनवर्स बराबर वाई कॉमा एक्स हो जाएगा। जो द्वितीय अवयव था वो पहले नंबर पर पहुंचेगा और जो पहला अवयव था वो दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार है कि वाई जो है वो बी में उपस्थित होगा और एक्स जो होगा हमारा वो किस में उपस्थित होगा, ए में उपस्थित होगा। समुच्चय नहीं बदलेंगे, केवल क्रमित युग्मों में अवयवों के स्थान बदल जाएंगे, एक्स कॉमा वाई वाई कॉमा एक्स हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं एक संबंध हमको दिया गया है आर बराबर लिख दिया जाए 2.3, 3.4, 4.5, 5.6, ये इस तरह से लिख दिया जाए। तो यहाँ पर इसका मैं आर इनवर्स निकालना, तो क्रमित युग्म देखते हैं, ये पहला क्रमित युग्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो सभी क्रमित युग्मों में अवयवों जो हैं उसके प्रथम और द्वितीय उनके स्थान बदल दीजिए, इसको उलट दीजिए, 3.2 कर 2.3 था 3.2 कर दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.3 हो जाएगा, यहाँ पर 5.4 हो जाएगा और यहाँ पर 6.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जो भी क्रमित युग्म है उसके प्रथम अवयव को द्वितीय अवयव बना देते हैं और द्वितीय अवयव को प्रथम अवयव बना देते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं आर इनवर्स। तो सदैव प्रतिलोम संबंध तब प्राप्त होता है जब हम संबंध आर के सभी क्रमित युग्मों में अवयवों के स्थान आपस में बदल देते हैं। इट मीन्स इसका अर्थ ये है कि प्रथम अवयव को द्वितीय अवयव बना देते हैं और द्वितीय अवयव को प्रथम अवयव बना देते हैं, इस तरह से लिखते हैं आर ये है और आर इनवर्स ये है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है पहले नंबर पर कि जो प्रांत होगा, प्रांत का मतलब डोमेन जो होगा किसका, आर का, वो रेंज के बराबर होगा, रेंज डोमेन आर का और रेंज आर इनवर्स। ऐसे ही यदि आर इनवर्स का डोमेन या हम प्रांत इसको कह दें तो ये हो जाएगा रेंज आर ये होगा, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं आर का जो प्रांत होगा वो किसके बराबर होगा, आर इनवर्स का परिसर इसके बराबर होगा। और आर इनवर्स का जो प्रांत होगा वो किसके बराबर होगा, आर के परिसर के बराबर, ये हो जाएगा। ये इतना इसमें ध्यान रखने वाली दो बातें हैं कि आर और आर इनवर्स के प्रांत और परिसर में ये संबंध पाया जाता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो इसका प्रांत लिख लेना और परिसर लिख लेना, और इसका प्रांत और परिसर लिख लेना, इसके बाद तुम मिला लेना। जो आर का प्रांत होगा वही आर इनवर्स का परिसर होगा। देखिए 2, 3, 4, 5 प्रथम अवयव का समुच्चय, और यहाँ देखो द्वितीय अवयव का, ये इसकी रेंज परिसर होगा 2, 3, 4, 5। ऐसे ही आर इनवर्स का प्रांत निकालोगे और आर का परिसर निकालोगे तो वो दोनों समान समुच्चय आएंगे।